वेलकम फ्रेंड, मैं मंतोष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंतोष दे में। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर अभी तक आपने वोटर कार्ड नहीं बनाया है या आपने अभी तक वोटर कार्ड को अप्लाई नहीं किया है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से वोटर कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, ये सारा डिटेल्स मैं आप को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो प्ले स्टोर को आप जैसे ही ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आपको सर्च बार में टाइप कर देना है वोटर हेल्पलाइन। ये वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। लिख लेने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है वोटर हेल्पलाइन। तो मेरा फ्रेंड्स पहले से ही मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको वोटर हेल्पलाइन को ओपन कर लेना है। वोटर हेल्पलाइन को जैसे ही ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है वोटर रजिस्ट्रेशन। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपने जो मोबाइल नंबर को फिल किया है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में ओटीपी आ चुका है। इस वाले ओटीपी को आपको यहाँ पे ओटीपी का जो बॉक्स है इस पे फिल कर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ओटीपी को फिल कर देते हैं। ओटीपी को फिल कर देने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो वेरीफाई का बटन दिख रहा है ये वेरीफाई वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपका जो मोबाइल है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर आईडी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको इस वाले ऑप्शन पे टिक लगा देना है। लगा देने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, नेक्स्ट का जो आपको बटन दिख रहा है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है सिलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट असेंबली, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा गया है, ये इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करते हैं और उसके बाद आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो इन्फॉर्मेशन था वो फिल कर दिया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो डेट ऑफ बर्थ के लिए है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जा रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 एंड 12 इशू बाय CBSE या IAS। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देख रहा है आधार कार्ड का, तो आपको ये आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं आपको अब करना क्या होगा, अपलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है ये अपलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो आधार है उसको अपलोड करना है। तो आपका जो आधार का फाइल है वो 2 MB से कम का होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अपलोड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो आपको गैलरी से आपका जो फोटो है उसको अपलोड कर लेना है। तो गैलरी वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ जैसे ही करते हैं आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपको करना क्या है, आपका आधार को अपलोड कर लेना है। तो चलिए हम लोग अपना आधार को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाता है। यहाँ पे आपसे आपका फोटो अपलोड करने के लिए मांगा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो फोटो है उसको अपलोड करना है। तो आपका जो फोटो का साइज है वो 200 KB से कम का होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर फिल कर देना है, उसके बाद आपका नाम, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सर नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपका सर नाम लिख देना है। और उसके बाद आधार डिटेल्स, यहाँ पे आपका आधार का जो नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना होगा।
उसके बाद आपको स्लाइड करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको करना है क्या, आपका जो मोबाइल नेम है मतलब मोबाइल नंबर जो एप्लीकेंट का है, और उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, और उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है डिसेबिलिटी, अगर आप किसी तरह से विकलांग है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन को फिल कर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लोग इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर दिया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है रिलेशन टाइप। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका जो रिलेशन टाइप है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो फैमिली मेंबर का जो वोटर आईडी नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना होगा। और उसके बाद नेम ऑफ रिलेटिव, आपका जो रिलेशन का नाम है वो डाल देना है। उसके बाद लास्ट नेम ऑफ रिलेटिव। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है प्रेजेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंस एड्रेस। तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस को आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे, जैसे कि आपका हाउस नंबर, उसके बाद स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी, उसके बाद टाउन विलेज, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद तहसील तालुका, और उसके बाद आपका यहाँ पे जो सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपको यहाँ पे क्लिक करने होंगे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है वाटर कनेक्शन फॉर बिल ऑफ एड्रेस, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बिल फॉर द एड्रेस, उसके बाद गैस कनेक्शन बिल फॉर द एड्रेस, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद करंट पासबुक ऑफ नेशनलाइज शेड्यूल बैंक, उसके बाद इंडियन पासपोर्ट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपका आधार कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ। आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेने के बाद आधार का जो फाइल है उसको आपको अपलोड कर लेने होंगे। तो यहाँ पे आधार कार्ड फाइल को अपलोड कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको फिल कर लेने होंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद विलेज टाउन, उसके बाद आप कौन से डेट में सबमिट कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे फिल कर लेने होंगे, और यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का जो नाम है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद प्लेस ऑफ एप्लीकेशन को आपको फिल कर लेना है। तो आपको इतने सारे यहाँ पे फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या, डन पे क्लिक करना है। डन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको प्रीव्यू फॉर्म देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने अभी तक फॉर्म में जितने सारे इन्फॉर्मेशन को फिल किए हैं सारे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे स्लाइड करके सारे डिटेल्स को चेक कर लेना है कि आपने अभी तक जितने सारे को फिल किए हैं सारे सही है या नहीं है। अगर आपका सारा जो आपने इन्फॉर्मेशन को फिल किया है सारा सही है तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कन्फर्म। तो आपको करना क्या है, ये कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म वाले बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग कम्प्लीट हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और आपको एक रेफरेंस आईडी दिया गया है। तो आपको ये रेफरेंस आईडी को नोट करके रख लेना है। तो इस तरह से आपका अगर वोटर कार्ड नहीं बना है या आपने अभी तक नहीं बनवाया तो घर बैठे आप अपने मोबाइल से आसानी से वोटर कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।